हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल डिगिंग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जेई मेंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है मोशन इन वन डायमेंशन से, तो आइए चलो सॉल्व करते हैं। अ पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.03 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाइट बिल्डिंग। मतलब अपने पास एक 100 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ये अपनी बिल्डिंग है। इसकी जो हाइट अपन को दे रखी है वो दे रखी है 100 मीटर, और इससे एक पीस ऑफ वुड को अपन गिराते हैं जिसका मास है 0.03 kg। इसको अपन यहां से गिराते हैं एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg, मतलब उसी समय पे एक बुलेट जो है अपने पास उसका मास जो दे रखा है वो दे रखा है 0.02 kg, इस फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फायर करते हैं अपन इस बुलेट को विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसी समय पे जिस पे हमने डिब्बा गिराया, अपन एक बुलेट को बिल्डिंग के नीचे से ऊपर की तरफ फायर करते हैं। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुड। अब ये जब नीचे गिर रहा है और बुलेट जब ऊपर जा रही है, तो एक पॉइंट आता है जहां पे जो बुलेट है वो इस डिब्बे के अंदर घुस जाती है क्योंकि दोनों सीध में। देन द मैक्सिमम हाइट द कंबाइंड सिस्टम रीचेस, ये थोड़ी समझने वाली बात है, अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिफोर फॉलिंग बिलो। मतलब जब बुलेट इसके अंदर घुस गई तो ये दोनों एक कंबाइंड सिस्टम बन गए। अब बुलेट तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, मतलब बहुत तेजी से जा रही है, और डिब्बे का मास और एक्सेलरेशन मिला के भी डिब्बा इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा बुलेट पे कि वो बुलेट को नीचे ले जाए, इंस्टेंट बुलेट डिब्बे को ऊपर ले जाएगी। तो अपन से ये जो कंबाइंड सिस्टम बन गया जब बुलेट डिब्बे के अंदर घुस गई, तो बुलेट कितना फोर्स लगाती है डिब्बे पे, अपन को ये पता लगाना है कि जब बुलेट डिब्बे पे फोर्स लगा रही है तो वो जो पूरा सिस्टम है वो कितना ऊपर जाएगा बिल्डिंग की हाइट के ऊपर से, मतलब यहां तक पहुंचेगा। तो अपन को वो हाइट पता लगानी है ये वाली, कि पूरा कंबाइंड सिस्टम बुलेट जब डिब्बे पे दम लगाएगी तो बुलेट कितना ऊपर लेके जाएगी बिल्डिंग की हाइट के ऊपर, अपन को ये डिस्टेंस पता लगाना है। हाँ, तो सबसे पहले अपन मीटिंग पॉइंट के बारे में पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली बुलेट और वुडन ब्लॉक कहाँ मीट कर रहे हैं। अब वुडन ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट को एट द पॉइंट ऑफ मीट अपन एस मान लेते हैं। मान लो वुडन ब्लॉक यहाँ तक गिरा और अपन ने इसको एस मान लिया, वुडन ब्लॉक यहाँ से यहाँ गिरा एट द पॉइंट व्हेन बुलेट उसके अंदर घुस जाती है, और बुलेट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100 माइनस एस। मतलब बुलेट उतना ही तो चलेगी, बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है और बिल्डिंग 100 माइनस एस चलेगी, मतलब उतना ही तो नहीं चलेगी जितना डिब्बा गिरा है, बाकी तो पूरी बिल्डिंग की हाइट को कवर करेगी बुलेट। तो अपने पास दो ही क्वेश्चन बनेगी, पहली एस ये वाले डिस्प्लेसमेंट की इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक यूटी, ये तो ऑब्वियस जीरो होगा तो बाद में कट जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी काम करेगी वुडन ब्लॉक पर और कोई कुछ काम नहीं कर रहा, और टाइम का स्क्वायर जो ये वाला जो ड्यूरेशन है उसका टाइम का स्क्वायर, और दूसरी बनेगी अपनी बुलेट की जो होगी 100 माइनस एस, 100 इक्वल्स टू u, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट ये एस है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट टाइम, ये टाइम तो सेम ही रहेगा, प्लस हाफ, और इस पे ग्रेविटी माइनस जी काम करेगा क्योंकि ये अपोजिट उसमें चल रही है, और टाइम का स्क्वायर, टाइम दोनों उसमें सेम रहेगा, जितना वुडन ब्लॉक को इधर गिरने में लगा है उतना ही बुलेट को ऊपर जाने में लगेगा क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंपैक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब पहली इक्वेशन को सॉल्व करें तो अपने पास आ जाता है जी होता है 10, यूटी यू जीरो होगा तो डीएस भी जीरो हो जाएगा, 5 तो 5t² आ गई एस की वैल्यू अपने पास, और अब इस वाले एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो 100 माइनस 5t² इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट थी अपने पास 100 मीटर पर सेकेंड, 100t, और यहाँ वो है तो 2 डिवाइडेड बाई माइनस जी होगा -10, तो हो जाएगा -5t², और -5t² से -5t² कट जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100, तो टी जो आ गया वो अपने पास आ गया 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड लगता है दोनों को इम्पैक्ट आने पे, 1 सेकेंड में दोनों भिड़ जाते हैं बुलेट और वुडन ब्लॉक, और जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो हो गया 5 × 1² जो आ गया 5, तो डिस्प्लेसमेंट वुडन ब्लॉक का 5 है तो बुलेट का हो जाएगा 95, और टाइम टेकन फॉर इम्पैक्ट हो जाएगा 1 सेकेंड।
अब एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अपन दोनों चीजों की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। दो इक्वेशन बनेगी, वी स्क्वायर मतलब वुडन ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू यू स्क्वायर वुडन ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as, और वी स्क्वायर बुलेट की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। तो यू स्क्वायर तो 0 है, और तो वुडन ब्लॉक की जो है एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी 2 × एक्सेलरेशन 10, ग्रेविटी के अंदर काम कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो है अपन को 5 मीटर पता ही है, तो 220 × 5 100, और जो वेलोसिटी है वो वी स्क्वायर में दे रखी है तो वो हो जाएगी 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसकी आई। और बुलेट की फाइनल वेलोसिटी जो है वो अपनी आ जाएगी 100 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस में, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अपोजिट हो रहा है, 2 × 20 × 95, 2 × 20 × 95, तो ये हो जाएगा 8100, और सिंस स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 90, तो बुलेट की स्पीड आ गई 90 मीटर पर सेकेंड। अब सिंस अपने पास वेलोसिटी आ गई दोनों की एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, अपन दोनों का मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो वुडन ब्लॉक का जो मोमेंटम होगा वो होगा मास, मास है 0.03 टाइम्स वेलोसिटी जो है 10, और बुलेट का जो मोमेंटम है अपना वो हो जाएगा 0.02 जो मास है टाइम्स 90, तो ये हो जाएगा अपना 0.3, और इसका मोमेंटम हो जाएगा 1.8। अब जो नेट मोमेंटम है जो ऊपर की तरफ लगेगा, जो बिल्डिंग के ऊपर ले जाएगा अपने बुलेट और वुडन ब्लॉक के सिस्टम को, वो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बुलेट माइनस मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक, जो अपना आ जाएगा 1.5। अब 1.5 से अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं अपने सिस्टम की, तो ये हो जाएगी 1.5 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम, इन दोनों को ऐड करके आएगा जो आएगा 0.05 टाइम्स वेलोसिटी, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी अपनी आ जाएगी 30, 30 मीटर पर सेकेंड जो अपनी नेट सिस्टम की वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ, तो अपना जो सिस्टम है वो अभी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, अभी वो 95 मीटर की हाइट पे है, तो अपन को पता लगाना है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और मैं इक्वेशन का यूज करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर तो 0 हो जाएगी जब वो ऊपर ऊपर जाके रुक जाएगा, तो ये 0 माइनस यू इनिशियल है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा क्योंकि नीचे की तरफ धकेल रहा है सिस्टम को, -10, और एस जो अपन को निकालना है -30 × -30 जो प्लस हो जाएगा, और 2 ये नीचे आ जाएगा -20, और ये 0 से 0 कटा, 2 15 15 से 35, तो एस जो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 45 मीटर, मतलब 95 मीटर के ऊपर जो अपना सिस्टम है वो 45 मतलब 45 मीटर हाइट कवर करेगा। अपन बचा हुआ 5 मीटर काट देंगे बिल्डिंग की हाइट का, और आंसर आ गया अपने पास D 40 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।